हेलो टू ऑल द व्यूअर्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 10। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हीट इंजन के बारे में। इसके बाद हम लोग इसकी एफिशिएंसी डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हीट पंप क्या होता है और रेफ्रिजरेशन सिस्टम किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या चीज़ होती है। सो स्टार्ट करते हैं विद लेक्चर नंबर 10। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हीट इंजन क्या होता है। ये ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर के टाइम पे थोड़ा सा इसको डिस्कस किया हुआ है, बट इसमें हम लोग डिटेल में जानेंगे कि हीट इंजन किस टाइप की डिवाइस होती है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, डायग्राम क्या होता है, और इसके साथ ही हम लोग जानेंगे कि एफिशिएंसी क्या होती है इसकी। सो हीट इंजन इज़ अ थर्मोडाइनमिक सिस्टम होता है ये, विच ऑपरेट्स इन अ साइक्लिक प्रोसेस एंड प्रोड्यूसेस यूजफुल वर्क बाय कन्वर्टिंग हीट। तो जब भी हमें हीट को, ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करना होता है, वर्क में कन्वर्ट करना होता है, ट्रांसफॉर्म करना होता है, तो हमें जिस डिवाइस की ज़रूरत होती है वो होता है हमारा हीट इंजन। यह एक ऐसा ऊष्मगतिकी निकाय है जो कि एक चक्रीय प्रक्रम पर प्रचालित होते हुए ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करता है। तो ये कंप्लीट इसका डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसका एक स्कीमेटिक डायग्राम किस टाइप का होता है। तो स्टार्ट, ये कंप्लीट जो सिस्टम है ये एक्चुअली हमारा एक हीट इंजन है, जिसका फर्स्ट कंपोनेंट होता है बॉयलर। बॉयलर को हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं किसी हाई टेम्परेचर बॉडी से, हाई टेम्परेचर बॉडी जिसको हम लोग सोर्स कहते हैं। हाई टेम्परेचर बॉडी इसको कुछ अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करती है बॉयलर को। ये जो हीट है इसको हम लोगों ने Q1 नाम से डिनोट किया हुआ है। Q1 जो है वो सप्लाइड अमाउंट ऑफ हीट है, जितनी हीट हमने सप्लाई किया है बॉयलर को वो हमने Q1 से डिनोट किया है। तो हीट इंजन का फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा बॉयलर। बॉयलर से स्टीम जो बनती है वो जाती है हमारे टर्बाइन पे। टर्बाइन का वर्क होता है इस स्टीम को कन्वर्ट करना, स्टीम की एनर्जी को कन्वर्ट करके टर्बाइन को वर्क कराना। टर्बाइन के रोटर्स मूव करते हैं और हमें एक वर्क ऑप्टेन होता है, जैसे हम लोग WT नाम से डिनोट करते हैं, टर्बाइन वर्क ऑफ टर्बाइन। नेक्स्ट जो स्टीम होती है वो हमारी कंडेंसर में जाती है। कंडेंसर जो स्टीम की बची हुई ऊष्मा होती है उसको सिंक में कन्वर्ट कर देता है, सिंक में प्रोवाइड कर देता है। इसके बाद जो हमारा जो टेम्परेचर होता है स्टीम का वो काफ़ी डिक्रीज़ हो जाता है। ये सिंक यहाँ पे हमारा एटमॉस्फेयर हो सकता है या फिर कोई भी हीट का सोर्स जो कि लो टेम्परेचर पे है, उस टेम्परेचर पे जो कि यहाँ से जो टर्बाइन से जो स्टीम निकल रही है उससे काफ़ी लो टेम्परेचर पे हमारा हीट का सिंक होता है। इट कैन बी आर एटमॉस्फेयर और एनी लो टेम्परेचर हीट सोर्स। तो ये हमारा लो टेम्परेचर हीट सोर्स होता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा स्टीम है वो अपनी हीट देकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक वाटर बचता है, वाटर, और ये वाटर हम पंप की सहायता से वापस से बॉयलर में डाल देते हैं, जहाँ पे हम लोग हीट को सप्लाई करते हैं। अगेन ये साइकिल चलती रहती है और हमारा जो वर्क होता है वो हमें ऑप्टेन हो जाता है। तो ये एक कंप्लीट स्टीम इंजन की साइकिल होती है। ये जो स्टीम इंजन होते हैं इसके चार कंपोनेंट्स होते हैं, बॉयलर, टर्बाइन, कंडेंसर एंड पंप। इस तरह से ये हमारा हीट इंजन, यहाँ पे हमने स्टीम इंजन की बात की है, तो स्टीम इंजन इस टाइप का होता है हमारा। अगर हम लोग इसको एक सिंपल डायग्राम में, जो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग जो सिंपल डायग्राम देखते हैं, तो वो हम लोग बस इस तरह से बनाते हैं, एक हीट इंजन बनाते हैं और हीट इंजन में जो क्यू सप्लाई हम लोग दे रहे हैं, Q1 सप्लाई दे रहे हैं, और ये जो Q2 होता है ये जो सिंक में जा रहा होता है। तो हीट का सोर्स से जो ऊष्मा निकल रही है वो हो जाएगी हमारी हीट एनर्जी, हो जाएगी हमारी Q1, और जो हीट इंजन से लॉस होके जो एनर्जी हमारे सिंक में जा रही है वो हो जाएगी हमारी Q2, और इसके बीच में जो वर्क का जनरेशन होगा वो हो जाएगा हमारा Q1 - Q2। ये होता है हमारा सिंपल डायग्राम ऑफ अ हीट इंजन। जब भी हम लोग हीट इंजन बनाते हैं
फॉर द डिनोशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो हम लोग इसी डायग्राम को यूज़ करते हैं। थर्मल एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, ये इसकी तापीय दक्षता होती है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नेट वर्क प्रोड्यूस्ड बाय द इंजन टू द हीट सप्लाई टू द इंजन। इंजन में जितनी भी हीट हम लोग सप्लाई करते हैं, Q1 अमाउंट ऑफ हीट, और जितना भी कार्य इसमें से मिलता है हमें, ऑप्टेन होता है, मतलब जितना हीट सप्लाइड W में कन्वर्ट होती है और जितनी लॉस हो जाती है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। और यहाँ से एफिशिएंसी तब पता चलती है जब W नेट को हम लोग Q1 से डिवाइड करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इतने अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज़ कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड रेस्ट इज़ लॉस्ट। तो यहाँ पे ऊष्मा इंजन की तापीय दक्षता, उससे प्राप्त शुद्ध कार्य W नेट एवं उससे प्रदत्त ऊष्मा का अनुपात होती है। उसे, यहाँ पे उसे होगा, जितनी ऊष्मा हमने उसे प्रदान किया का अनुपात होती है। तो एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी इज W नेट अपॉन Q1। यहाँ पे W नेट हमें पता है कि Q1 माइनस Q2, जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने सप्लाइड किया था और जितना लॉस हो गया था, उन दोनों का डिफरेंस और अपॉन में जो सप्लाइड किया हुआ था, ये हमारी थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हीट पंप। जब भी हमें लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी को हीट प्रोवाइड करनी होती है, हीट प्रोवाइड करनी होती है, तो जिस डिवाइस का हम लोग यूज़ करते हैं उसे हम लोग हीट पंप कहते हैं या फिर रेफ्रिजरेटर कहते हैं। हीट पंप और रेफ्रिजरेटर का वर्किंग प्रोसेस अगर हम लोग देखें तो सिमिलर होता है, एक जैसा ही होता है, बट दोनों डिफरेंट डिवाइसेस होती है। अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे डिफरेंट होती हैं डिवाइसेस। सो स्टार्ट करते हैं विद द हीट पंप। इट इज़ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम विच प्रोवाइड्स हीट टू हाई टेम्परेचर रिजर्वॉयर फ्रॉम अ लो टेम्परेचर रिजर्वॉयर विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। ये एजेंसी में चार कंपोनेंट्स हैं हीट पंप के भी, वो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम जब हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हाई टेम्परेचर रिजर्वॉयर का जो टेम्परेचर होता है, जनरली सराउंडिंग से ज़्यादा टेम्परेचर उसका माना जाता है। यह एक ऐसा ऊष्मगतिकी निकाय है जो चक्रीय प्रक्रम पर प्रचालित होते हुए निम्न तापमान वाली भंडारण से ऊष्मा निकालकर उच्च तापमान वाली भंडारण को प्रवाहित करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग प्रोसेस देखते हैं, तो अगर ये हीट पंप है हमारा और यहाँ पे हमारा लो टेम्परेचर बॉडी है, लो टेम्परेचर बॉडी से ये कुछ अमाउंट ऑफ हीट निकालता है और हाई टेम्परेचर बॉडी को हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, ये हमारा हीट पंप होता है। इफ सपोज यहाँ पे हमारा जो ये है हाई टेम्परेचर बॉडी, ये हमारा रूम है जो कि है 17 डिग्री सेल्सियस पे, और बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी ठंडा है, वो मान लीजिए 11 डिग्री सेल्सियस पे है। अब बिकॉज रूम हमारा 17 डिग्री सेल्सियस पे है, बट स्टिल अभी भी अनकंफर्टेबल है हम लोग चाहते हैं इसको 25 डिग्री बनाना। तो यहाँ पे जो ऊष्मा हम लोग लेंगे वो एटमॉस्फेयर से ही लेंगे जो कि 11 डिग्री सेल्सियस पे है। अब 11 डिग्री सेल्सियस से कुछ अमाउंट ऑफ हीट हम लोग ऑब्टेन करेंगे। यहाँ पे ये हीट पंप होगा जो इस अमाउंट ऑफ हीट को ट्रांसफ़र करेगा, उसका कुछ अमाउंट हमारे रूम में, ताकि हम लोग इसका टेम्परेचर बढ़ा सकें समवॉट टू 25 डिग्री सेल्सियस। इस हीट पंप को चलाने के लिए भी कुछ कार्य हमें करना पड़ेगा। यहाँ पे वर्क ऑप्टेन नहीं होता है, यहाँ हीट पंप चलाने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ता है जो कि इस अमाउंट जो कि हमने सिंक से निकाला है, लो टेम्परेचर बॉडी से ऑप्टेन किया है और जो हाई टेम्परेचर बॉडी को प्रोवाइड किया है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वही हमारा W नेट होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी के बीच में हमने कुछ अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र किया है, और उसके लिए, उस अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र करने के लिए हमने कुछ वर्क प्रोवाइड करवाया है हमारे हीट पंप को। तो यहाँ पे वर्क प्रोवाइड करवाया जाता है हीट पंप को, ताकि ये जो हमारा हाई टेम्परेचर बॉडी है,
हाई टेम्परेचर बॉडी है ये और ज़्यादा हाई टेम्परेचर बॉडी हो जाए, मतलब इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ कर जाए। तो बेसिकली हीट पंप का काम यही होता है कि हाई जो भी हाई टेम्परेचर पे है उसको और ज़्यादा उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है। तो यहाँ पे मेन फोकस हमारा कितना अमाउंट ऑफ हीट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे हाई टेम्परेचर बॉडी को ताकि उसका टेम्परेचर और इंक्रीज़ हो सके, मेन फोकस हमारा Q1 पे होता है। मेन जो फोकस होता है वो हमारा Q1 पे होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका डायग्राम, जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं हमारे हीट पम्प में वो हम लोग देखते हैं। हीट पंप या फिर रेफ्रिजरेशन सिस्टम दोनों का डायग्राम या कंपोनेंट्स दोनों में सेम होते हैं। तो अगर हम लोग डायग्राम बनाते हैं रेफ्रिजरेशन का या फिर हीट पंप का, दोनों का सिमिलर डायग्राम होता है। यहाँ पे जो हमारा स्टार्ट होता है प्रोसेस वो होता है कंप्रेसर से स्टार्ट। कंप्रेसर से ये कंडेंसर में जाता है, कंडेंसर से फिर पंप में जाता है एंड पंप से हमारे इवेपोरेटर में जाता है। इवेपोरेटर वो पोर्शन होता है जो कि लो टेम्परेचर बॉडी से कुछ अमाउंट ऑफ हीट लेता है, Q2 अमाउंट ऑफ हीट लेता है। और यहाँ पे कंडेंसर वो एरिया होता है जो कि दिस सम Q1 अमाउंट ऑफ हीट हमारे हाई टेम्परेचर बॉडी को प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली हमारा फोकस जब हम हीट पंप की बात कर रहे होते हैं तो हमारा हाई टेम्परेचर बॉडी पे फोकस होता है, मतलब Q1 अमाउंट पे फोकस होता है हमारा, और कंपोनेंट्स हमारे सेम होते हैं। तो ये हो गया, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था हमारा रूम जो कि 17 डिग्री सेल्सियस पे है और इसे हम लोगों को बढ़ाना है बिकॉज वी आर स्टिल अनकम्फर्टेबल विद 17 डिग्री सेल्सियस। और जो अमाउंट ऑफ हीट हम लोग ले रहे हैं वो एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं जो कि काफ़ी ठंडा है 11 डिग्री सेल्सियस पे है। तो ये हमारी सिंक हो जाएगी और ये हमारा सोर्स हो जाएगा और इसके बीच में जो चार कंपोनेंट्स लगे हैं जिसके वजह से ये वर्क हो पा रहा है कि इसका हाई टेम्परेचर मेंटेन हो पा रहा है। तो ये चार कंपोनेंट्स होते हैं हमारे कंप्रेसर, कंडेंसर, पंप एंड एवेपोरेटर। और ये चारों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक सिंगल हमारा हीट पंप कहलाता है। तो अगर नॉर्मल सिंपल हमें इसका डायग्राम बनाना होता है तो सिंपल डायग्राम इसका ये होता है जहाँ पे हम लोग सिंपली बना देते हैं कि हमारा एक हीट का सोर्स है, हाई टेम्परेचर बॉडी है और एक लो टेम्परेचर बॉडी है और इसके बीच में हीट पंप लगा हुआ है। यहाँ पे Q2 अमाउंट ऑफ हीट हम सिंक से लेते हैं और Q1 अमाउंट ऑफ हीट हम लोग सोर्स में दे देते हैं। तो ये एक नॉर्मल डायग्राम जब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग ये नॉर्मल डायग्राम बनाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप। जब भी हम लोग हीट पंप की बात करते हैं या रेफ्रिजरेशन की बात करते हैं तो हम लोग जो टर्म लेते हैं वो एफिशिएंसी नहीं होती है, यहाँ पे हम लोग कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करते हैं। कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इफेक्ट प्रोड्यूस्ड टू द वर्क डन इन ऑर्डर टू, यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा, वर्क डन इन ऑर्डर टू अचीव द अबव डिज़ायर्ड इफेक्ट। मतलब कि जो भी हमें डिज़ायर्ड इफेक्ट चाहिए, जो भी डिज़ायर्ड इफेक्ट इन अ सेंस कि अगर रूम था हमारा 17 डिग्री सेल्सियस पे तो इसका डिज़ायर्ड इफेक्ट ये था कि हम लोग चाहते थे कि 25 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो ये जो डिज़ायर्ड इफेक्ट आया है, मतलब कि Q1 जो हमने सप्लाई किया है हीट पंप को से हमारे रूम को, तो ये जो Q1 है हमारा और इसको जो करने के लिए हमें जो हीट पंप में जितना कार्य हमने दिया, अगर हम उन दोनों का रेशियो देखते हैं तो वो होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो मतलब Q1 अमाउंट ऑफ हीट जो हमने सप्लाई किया था हीट पंप को, ये वाली Q1 अमाउंट ऑफ हीट, और जो हमने नेट वर्क दिया था Q1 माइनस Q2 के बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा COP ऑफ हीट पंप। यहाँ पे हम लोग Q1 की जगह पे जो हाई टेम्परेचर बॉडी है उसका टेम्परेचर भी लिख सकते हैं और Q1 माइनस Q2 को हम लोग टेम्परेचर के डिफरेंस के बराबर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक COP का फॉर्मूला बन जाता है, या तो हीट के टर्म्स में या फिर टेम्परेचर के टर्म्स में। तो ये हमारा COP का होता है हीट पंप का। यह उत्पन्न वांछित प्रभाव तथा उक्त प्रभाव उत्पन्न करने के लिए निकाय द्वारा किए गए कार्य की मात्राओं का अनुपात होता है। जो भी हमारा उत्पन्न वांछित प्रभाव है और अपॉन में जो भी हमारा कार्य होता है वो हमारे ऊष्मा पंप का निष्पादन कहलाता है, COP कहलाता है। ये होता है इसका रिक्वायर्ड फॉर्मूला।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेफ्रिजरेशन क्या होता है. रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर एक डिवाइस है जो कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करती है. इफेक्ट प्रोड्यूस करती है. रेफ्रिजरेटर इज़ अ थर्मोडाइनमिक सिस्टम विच एब्जॉर्ब्स द टेम्परेचर, विच एब्जॉर्ब्स द हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर रिजर्वॉयर. यहाँ हीट होगा, हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर रिजर्वॉयर एंड मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम लोअर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग. बेसिकली इसका यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो यही है कि जो भी लो टेम्परेचर बॉडी है वहाँ से हम लोग हीट सप्लाई करते हैं किसी हाई टेम्परेचर बॉडी को. हाई टेम्परेचर बॉडी को वर्किंग जो होती है रेफ्रिजरेटर की, हीट पंप की, वो दोनों की सेम होती है बट ऑब्जेक्टिव हमारा डिफरेंट होता है. कैसे होता है वो अभी हम लोग देखते हैं डायग्राम से. बेसिकली क्या होता है, जब हीट पंप का भी सेम डायग्राम हमने बनाया था बट हमने देखा था कि अगर हमारा रूम 17 डिग्री सेल्सियस पे है तो हमें उसे टेम्परेचर उसका हाई करके 25 डिग्री सेल्सियस पे करना है. ये एक सिंपल एग्जांपल हमने देखा था. यहाँ पे डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे जो लो टेम्परेचर बॉडी है, लेट सपोज 11 डिग्री सेल्सियस पे कोई बॉडी थी, इसका टेम्परेचर हमें और ज़्यादा लोअर करके लेट सपोज 7 डिग्री सेल्सियस करना है. तो यहाँ पे हमारा जो मेन एम होता है वो होता है लो टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर पहले से ज़्यादा लोअर करना. ये प्रोसेस होता है हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम का. बाकी जो डायग्राम्स होते हैं, अगर हम लोग ये सिंपल डायग्राम की बात करते हैं तो ये, और इसके साथ साथ इसके जो कंपोनेंट्स वाले डायग्राम होते हैं जो हम लोगों ने हीट पंप में देखे थे, ये वाला डायग्राम, ये दोनों सेम रहता है. यही सेम डायग्राम होता है हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम में. यहाँ पे सेम चीज़ आती है बट यहाँ पे जो हमारा मेन फोकस होता है वो हमारा हीट के सिंक पे होता है क्योंकि हमें इस लो टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर पहले से भी ज़्यादा लोअर करना है. बट हीट पंप में हमारा फोकस होता है हाई टेम्परेचर बॉडी पे बिकॉज इसका टेम्परेचर हमें पहले से ज़्यादा हाई करना रहता है बाय ट्रांसफरिंग हीट फ्रॉम अ लो टेम्परेचर बॉडी. बट यहाँ पे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में लो टेम्परेचर बॉडी से हमें हीट और निकालनी रहती है बाहर ताकि ये लो टेम्परेचर बॉडी पहले से भी ज़्यादा लो टेम्परेचर बॉडी पे पहले से भी ज़्यादा इसका टेम्परेचर लो हो जाए. ये होता है हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम. ये इसका सिंपल डायग्राम होता है. सिंपल अगर डायग्राम हमें बनाना है तो यहाँ पे हमारा सिंक है जो कि लो टेम्परेचर बॉडी है, यहाँ पे हमारा सोर्स है जो कि हाई टेम्परेचर बॉडी है. लो टेम्परेचर बॉडी से जो अमाउंट ऑफ हीट हम लोग निकाल रहे हैं ताकि इसका टेम्परेचर पहले से ज़्यादा लो हो जाए वो है हमारा Q2 अमाउंट ऑफ हीट. रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए हमें इसमें कुछ कार्य करना पड़ रहा है जो कि है Q1 माइनस Q2. ये हमारा जो हाई टेम्परेचर सोर्स है उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट जा रही है वो हमारा Q1 हो जाएगा. तो ये हमारा नॉर्मल सिंपल डायग्राम फॉर अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है. यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होता है. ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं. यह एक ऐसा ऊष्मगतिकीय निकाय है जो कि चक्रीय प्रक्रम पर प्रचालित होते हुए निम्न तापमान पिंड से ऊष्मा निकाल कर तापमान परिवेश से कम बनाए रखता है. मतलब अगर एटमॉस्फेयर है ये हमारा, इफ सपोज कि ये हमारा रूम है जो कि 11 डिग्री सेल्सियस पे है, इसे हम लोग 7 डिग्री सेल्सियस बनाना चाहते हैं तो इससे जो ऊष्मा है वो हम लोग निकाल के इफ सपोज एटमॉस्फेयर में डाल रहे हैं, एटमॉस्फेयर में जो कि 25 डिग्री सेल्सियस पे है. तो एटमॉस्फेयर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस पे है, रूम हमारा पहले 11 था, हमने इसको रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगा के इसका टेम्परेचर पहले से ज़्यादा कम कर दिया है, 7 डिग्री सेल्सियस बना दिया है. तो हमने बाहर के एटमॉस्फेयर से इस रूम को ठंडा कर दिया है. यही बता रहा है यहाँ पे डेफिनेशन में कि हम लोग लो टेम्परेचर को मेनटेन रख सकते हैं. यहाँ पर भी सेम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर होता है, सेम डेफिनेशन होती है, एक्सट्रैक्टेड हीट अपॉन में नेट वर्क डन. बट यहाँ पे जो हमारा फोकस Q1 पे ना होकर Q2 पे होता है, कितने अमाउंट हमने सिंक से निकाला है,
सिंक से कितने अमाउंट ऊष्मा हमने निकाली है, कितने अमाउंट ऑफ हीट हमने निकाली है, इस पे हमारा मेन फोकस होता है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में जो न्यूमरेटर है वो हमारा Q2 है और नेट वर्क जो होता है वो हमारा Q1 माइनस Q2 के बराबर होता है, क्योंकि रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम लोग कुछ कार्य देते हैं जो कि Q1 माइनस Q2 के बराबर होता है। तो ये होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। उत्पन्न वांछित प्रभाव, जो भी वांछित प्रभाव उत्पन्न हुआ है, मतलब कि Q2 अपॉन में जो कार्य है उसका जो रेशियो होता है वो होता है हमारा COP। फॉर्मूला इसका ये होता है। अगर हम लोग रिलेशन देखते हैं COP ऑफ पंप की और COP ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम की, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि हमें COP ऑफ पंप का फॉर्मूला पता है T1 अपॉन T1 माइनस T2, और COP ऑफ रेफ्रिजरेशन जो होता है वो होता है हमारा T2 अपॉन T1 माइनस T2। तो अगर हम लोग COP ऑफ पंप में +1 कर देते हैं तो बेसिकली हमें वापस से यही फार्मूला मिल जाता है। तो यानी COP ऑफ अ पंप इज इक्वल्स टू COP ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम +1। यहाँ पे ये COP ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, जब हम इसमें +1 कर देते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि COP ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम मिल जाएगा। दैट मीन्स कि COP ऑफ पंप इज ग्रेटर दैन COP ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और वो जो ग्रेटर दैन होता है वो +1 का होता है। तो इफ सपोज अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिया है कि COP ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज़ 5, तो हम लोग ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं तो कि अगर ये पर्टिकुलर सिस्टम एज अ हीट पम्प काम करता है तो इसका जो COP हो जाएगा वो हो जाएगा 6। ये फॉर अ न्यूमेरिकल पर्पज़ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। इस पर्टिकुलर लेक्चर का अगर हम लोग रिविजन करें तो हम लोगों ने हीट इंजन के बारे में पढ़ा, इसकी एफिशिएंसी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, इसके साथ ही हीट पंप देखा हमने, हीट पंप क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, पर्पस क्या होता है, देन वी सॉ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, साथ में इन दोनों की एफिशिएंसी को हमने डिस्कस किया। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोगों ने ये सारी चीज़ों पे डिस्कस किया है। इसके जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा वो हमारा जब हीट इंजन जो हमारा रिवर्सिबल हीट इंजन हो जाता है, फुली रिवर्सिबल, और एक आइडियल हीट इंजन कार्नोट इंजन की बात हम लोग करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।